हेलो दोस्तों, मेडिपिल्स में आपका स्वागत है। आज मैं मेडिसोलिक आयनमेंट के बारे में जानकारी देती हूँ। जानकारी देने से पहले आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मेडिसोलिक आयनमेंट को कुछ लोगों ने गोरा होने के लिए, एक्ने, दाग धब्बे क्लियर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यह आयनमेंट आपके चेहरे को 10 से 20 दिन में गोरा बना देते हैं, लेकिन मैंने इसको रेकमेंड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस क्रीम को रेडनेस, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, एक्जिमा, रैशेस, डर्माटिटिस और सोरियासिस के इलाज के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाले ड्रग है। मेडिसोलिक ऑयमेंट को टाक्यो फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। इसका दाम 20 ग्राम के ट्यूब के लिए 126 रुपीज़। इसमें क्लोबेटासोल प्रोप्योनेट और सैलिसिलिक एसिड इंग्रेडिएंट मिला हुआ फ्रेंड्स। क्लोबेटासोल प्रोप्योनेट एक स्टीरॉयड है। इसको इन्फ्लेमेशन, इचिंग, एक्जिमा, सोरियासिस के इलाज में यूज किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड को एक्ने, डैंड्रफ, सोरियासिस के इलाज के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। दोस्तों, मेडिसोलिक एक स्टीरॉयड क्रीम है। इस क्रीम को ज़्यादा यूज करने से आपका स्किन पहले से ज़्यादा काला हो सकता है और स्किन को पतला कर देता है। इससे आपका स्किन रेडनेस हो सकता है, स्किन में रैशेस आ सकता है और स्किन पहले से ज़्यादा काला हो सकता है फ्रेंड्स। इस क्रीम आपको चेहरे को बर्बाद कर देगा। ये फेमस क्रीम नहीं है फ्रेंड्स। दोस्तों, मेडिसोलिक ऑयमेंट को स्किन इन्फेक्शंस जैसे स्किन रेडनेस, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, एक्जिमा, रैशेस, डर्माटिटिस और सोरियासिस के इलाज में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाले ड्रग है। इस ऑयमेंट को सिर्फ रात में लगाना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्किन पतला हो सकता है। दोस्तों, किसी ने इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। किसी भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले डॉक्टर का सलाह ज़रूर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।